किस शैम्पू का इस्तेमाल करें, यह जिज्ञासा हम लोग के हमेशा मन में रहती है, क्योंकि हर शैम्पू में कोई ना कोई डिसएडवांटेज समझ में आ जाती है। कोई शैम्पू लगाने से सर साफ नहीं होता है, बाल स्कैल्प साफ नहीं होता, कोई शैम्पू लगाने से बाल रूखे हो जाते हैं, कोई शैम्पू लगाने से बाल टूटने ज़्यादा लगते हैं, कोई शैम्पू लगाने से डैंड्रफ ख़त्म नहीं होता। आज हम बताएंगे आपको ऑल इन वन शैम्पू, जो आपके 5 रुपए लागत से आप घर में बना सकते हैं, और ये आपके बालों से डैंड्रफ भी ख़त्म करेगा, बालों को लंबा भी करेगा, बालों का वियर एंड टियर भी ख़त्म करेगा, काले घने और रेशमी बाल भी करेगा। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे शैम्पू की। शैम्पू एक ऐसा विषय है जिस पे आमतौर पे हम सब कंफ्यूज रहते हैं, एक दिन लगाएं, दो दिन लगाएं, हफ्ते में कि 4 दिन लगाएं कि रोज़ लगाएं, इस सब में कन्फ्यूज़ रहते हैं। दूसरा कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर कौन सा शैम्पू लगाएं। हम लोग तमाम शैम्पूज़ ट्राई करते हैं और सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। हर शैम्पू में कोई ना कोई आपको डिसएडवांटेज मिल ही जाता है और आप फिर चिंतित रहते हैं कि मैं क्या करूं। इस समय विंटर्स का टाइम है, शैम्पू की और ज़्यादा ज़रूरत हो गई क्योंकि डैंड्रफ बहुत होता है। तो हम आपको साथियों बताते हैं एक ऐसा घर में बनाए जाने वाला शैम्पू जो आपके बालों को बहुत आराम दे देगा, आपके बालों को मुलायम कर देगा, आपके बालों को सिल्की कर देगा, चमक ला देगा, शाइनी कर देगा और बाल लंबे करने में भी मदद करेगा, स्कैल्प की हेयर फॉलिकल्स की न्यूट्रिशन करके। बहुत ही आसान नुस्खा है साथियों, आपका 10 से 15 रुपए में यह शैम्पू तैयार हो जाएगा। इसको रोज़ आप अपने बालों में लगा सकते हैं या हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं और यह मैजिक की तरह काम करेगा, जादू की तरह काम करेगा और आपके बालों को जैसा आप सोचते हैं हो जाएं, यह बालों को वैसा करेगा। तो चलते हैं साथियों उस सफर पे जिस पे आपको बताते एक बढ़िया सा शैम्पू आपके बालों को काला घना और लंबा बनाए रखने के लिए, बालों के वियर टियर को ख़त्म करने के लिए, बालों में होने वाले जो है नुकसान को ख़त्म करने के लिए और आपको डैंड्रफ से भी निजात दिलाने के लिए। इस बेहतरीन आसान नुस्खे के लिए साथियों आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मैंने पहले ही शब्द आसान लगा दिया। आपको एक नींबू लेना है साथियों, लेमन, नींबू यानी लेमन। आपको लेमन के बीज निकाल देने हैं। लेमन के बीज निकालने के बाद आपको एक छोटे से कांच के बाउल में उस लेमन को पूरा निचोड़ लेना है, रस आपका आ जाए कम से कम 5-6 चम्मच, 5 चम्मच रस हो। अगर आपको एक नींबू से थोड़ी कमी आ रही हो तो आधा नींबू और जोड़ दें, लेकिन ओवरऑल आपको 4-5 चम्मच रस हो जाए, वो आपको लेना है साथियों। एक नींबू हालांकि बहुत है क्योंकि नींबू के भी कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, देखने में आपको बहुत ज़्यादा वो बर्निंग कॉज कर देता है, तो थोड़ा ही लें। दूसरी चीज़ साथियों आपको लेना है खीरा, खीरा यानी कुकम्बर। आपको खीरे को छील लेना है, खीरों को छीलने के बाद उसको जो है मिक्सी में चला लेना है, यानी उसकी लुगदी पेस्ट बना लेना है, चाहे उससे मिक्सी से बना लें चाहे वहीं इमामदस्ते में कूच दें। इमामदस्ते में कूच देंगे तो और अच्छा है, जो मिक्सी की हीट होती है उससे आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे कुकम्बर के खीरे के। तो वो आपको एक खीरे का पेस्ट कर लेना है, उसको आपको उस नींबू पानी में डाल देना है, अच्छे से मिला लेना है और उसको आपको अपने बालों में हेयर्स में अप्लाई कर लेना है। 15 मिनट तक आपको अपने हेयर्स में लगा रह देना है, 15 से 20 मिनट। इसका ध्यान रखना है कि आपको अगर धूप मिल जाए उतनी देर तो बहुत अच्छा है, इससे दो बातें होंगी, आपको सर्दी नहीं होगी और आप उतनी देर एनर्जाइज होंगे, आपका बॉडी एनर्जाइज होगा। इसकी भी एक पूरी साइंस है कि जब आप धूप में बैठते हैं तो आपके आर्टरीज में ब्लड बेहतर फ्लो करने लगता है और फिर स्कैल्प में भी वो ब्लड बेहतर फ्लो करेगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। तो आपको यह नींबू और जो कुकम्बर है खीरा, इनको जो पेस्ट है मिला के इसको 15 से 20 मिनट अपने हेयर्स पे लगाए रखना है और उसके बाद इसको आपको नॉर्मल पानी से धो देना है। आप देखेंगे कि आपका नींबू बिल्कुल साफ कर चुका होगा, स्कैल्प सारी डेंड्रफ ख़त्म कर चुका होगा, सब कुछ ख़त्म कर चुका होगा और कुकम्बर जो है वो ठंडक पहुँचाएगा, आपके स्कैल्प को ठंडक पहुँचाएगा। जब स्कैल्प को ठंडक पहुँचेगी तो उससे आपके बालों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
इसमें एक नोट करने वाली बात ये साथियों, अगर आपकी स्कैल्प की स्किन ड्राई हो, रूखी हो, तो आप कुकम्बर यानी खीरा उस पेस्ट में ज़्यादा डाल लें, और अगर आपकी स्किन ऑयली हो स्कैल्प की, तो आप नींबू ज़्यादा डाल लें। दोनों तरह से आपको फायदा करेगा, आपके बालों को अच्छा खूबसूरत काला और घना करेगा, और एक घर का बना शैम्पू जो कि 5 रुपए से कम में शैम्पू आपका बन जाएगा, इसको आप करें। और हम आपको एक बात और बताते हैं साथियों, आखिर ये क्यों काम करेगा, ये विषय जानना बहुत ज़रूरी है कि अपनी बात को साबित करने के लिए कारण बहुत ज़रूरी है, और कारण मैं आपको देता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन शैम्पू में से एक आपके क्यों काम करेगा। नींबू में साथियों अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो कि विटामिन सी के रूप में मौजूद होता है, यह जो है आपके जो डेड सेल्स होते हैं उनको ब्रेक बहुत जल्दी करता है, और जब आपके डेड सेल्स ब्रेक होंगे, क्योंकि इसका पीएच बहुत ज़्यादा होता है, पीएच ज़्यादा होने के कारण ये डेड सेल्स को ब्रेक करता है, और जब यह अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आपके डेड सेल्स को ब्रेक करेगा तो इससे आपका हेयर फॉल भी रुकेगा, क्योंकि डैंड्रफ एक कॉज होता है हेयर फॉल का, वह भी ख़त्म होगा, और विटामिन सी आपके स्किन को नरिश करके आपके हेयर्स को बेहतर करेगा। और खीरे में साथियों विटामिन सी भी होता है, फोलिक एसिड भी होता है, यह जो है आपका जो वियर एंड टियर जितना होता है बालों का उसको बिल्कुल ठीक करता है, और इसमें कूलिंग इफेक्ट भी होता है, तो यह तीनों चीज़ें मिलके आपके हेयर्स की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे, आपकी स्किन को भी कूल करेंगे, आपके हेयर को भी, स्कैल्प को भी कूल करेंगे, और आपको एक बेहतर एहसास देंगे। आप इसको करिए साथियों, और हमको कमेंट पोर्शन में बताइए कि आपको नींबू में, खीरे में नींबू मिला के वो पेस्ट बालों में लगाने से आपके बालों की क्वालिटी कैसी हुई। मन में कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे पाए। वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आप अपना आशीर्वाद हम लोग के चैनल पर बनाए हुए हैं इस चैनल को शेयर करिएगा, और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।